हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे अच्छे होंगे। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो चलिए देखते हैं और चलते हैं आशा मिश्रा कुकिंग चैनल में। आज मैं आपको बहुत इजी ट्रिक बताऊंगी, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वो यहाँ देखिए, मैंने दो किचन टॉवल को हल्का सा गीला करके और इसे मैंने ऐसे निचोड़ दिया है, तो आपको इस तरीके से करना है। दो टॉवल आपको लेना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। कुकर, और कुकर में थोड़ा सा हमें घी डालना है। आपको यहाँ पे पानी इस्तेमाल नहीं करना है, इससे आप देखेंगे कि आपके आलू बॉयल करने का टेस्ट बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आप हाथ से लगा दें, आप स्पून से लगा सकते हैं, ब्रश से लगा सकते हैं, जो आपके लिए इजी हो आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे मैंने लिया है चार आलू, मैंने अपने जरूरत के अकॉर्डिंग लिया है। आपको जितनी जरूरत है आपको उतना ही लेना है। आलू को हम ऐसे ही इसमें डाल देंगे। अभी क्या ठंड का मौसम है तो घी काफी जम गया है। और अब देखिए आप, ये जो गीला वाला तौलिया है ना, इसको हम ऐसे लगा देंगे और ऊपर से एक टॉवल हम और इसमें लगा देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें कर लेना है। ये बहुत इजी तरीका है। इस मेथड से आप शकरकंद बॉयल कर सकते हैं, कहीं कहीं उसको कोन भी बोला जाता है, तो आप इसी मेथड से उसे भी बॉयल कर सकते हैं। बस फर्क इतना है कि आलू थोड़ा सा टाइम लेता है और शकरकंदा आपका 10 से 15 मिनट में बॉयल हो जाता है, लेकिन आपको पानी में बॉयल नहीं करना है। इस तरीके से आप करेंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो अब हम इसे गैस पे चढ़ा देंगे और गैस का फ्लेम हमें स्लो कर देना है और इसको हम 15 से 20 मिनट तक बॉयल करेंगे। क्योंकि देखिए, अलग अलग सभी लोगों का बर्तन होता है, गैस का चूल्हा होता है, तो हो सकता है टाइम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट आपको 15 से 20 मिनट, हद से 25 मिनट में आपको एक बार चेक कर लेना है। इतने देर में ये बॉयल हो जाएगा। देखिए, मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है। तो अब हम इसे बॉयल कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मुझे बॉयल करने में 15 से 20 मिनट लगे हैं और मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, और यहाँ देखिए, आपका आलू खूब बढ़िया बॉयल हो चुका है और बिना पानी का। मैं आपको एक छिलके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये खाने में बहुत टेस्टी रहता है फ्रेंड्स। तो आप इसका चोखा भी बना सकते हैं, इस तरह से आप पराठे भी बना सकते हैं। ये देखिए, जैसे लग रहा है कि पका हुआ आलू है, जैसे हम आग में पकाते हैं ना उस तरीके से। ये देखिए, ये देखिए, बहुत बढ़िया रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। मैं आज चोखा बनाने वाली थी बाटी के साथ, तो इसलिए मैंने इसे बॉयल करके आप लोगों को दिखाया है कि ये बहुत इजी प्रोसेस है और आसानी से आप इसे इस तरीके से बॉयल कर सकते हैं। तो मैं आपको एक मसल के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, आसानी से ये नैस हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं, हाथ से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप चाहें तो पूरे भर कुकर भी आप आलू इस तरीके से बॉयल कर सकते हैं और ये हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये मैं आपको एक बार और बोल रही हूँ, आप इस तरीके से इसे बॉयल कर सकते हैं और बहुत आसानी से ये हो भी जाता है फ्रेंड्स। तो आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में।